भोपाल में अंगदान की एक मिसाल पेश की गई है, जहां रोड एक्सीडेंट में घायल युवक अनमोल के अंगदान से 7 लोगों को जीवन दान मिला है। अनमोल के अंग अहमदाबाद, इंदौर और भोपाल के मरीजों को दान किए गए हैं। दान किए गए अंगों को मरीजों तक पहुंचाने के लिए भोपाल में पहली बार 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। अब तक सिर्फ सुना था कि जीवन अनमोल है, और यह कहावत सच की है। भोपाल के 23 साल के अनमोल ने, अनमोल खुद तो इस दुनिया से चले गए लेकिन मरकर भी 7 लोगों को जीवन दान दे गए। दरअसल 17 नवंबर की शाम को अनमोल का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। सर में लगी गंभीर चोट के कारण डॉक्टरों ने अनमोल को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने हौसला दिखाया और अनमोल के सारे इंटरनल ऑर्गन दान करने का फैसला लिया। भोपाल के सिद्धांता अस्पताल से अनमोल के दिल को अहमदाबाद पहुंचाया गया, लीवर को इंदौर के अस्पताल में भर्ती मरीज को दान दिया गया, तो वहीं किडनी से भोपाल के 2 अलग अलग मरीजों का जीवन बचाया गया। अनमोल की स्किन और आंखें हमीदिया अस्पताल में भर्ती मरीजों के काम आएंगी। अनमोल के बॉडी पार्ट्स को मरीजों तक पहुंचाने के लिए भोपाल में पहली बार एयरपोर्ट, चिरायु और हमीदिया अस्पताल के साथ ही इंदौर तक के लिए 4 अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। यूं तो जवान बेटे की मौत की भरपाई किसी कीमत पर नहीं की जा सकती, लेकिन परिजनों को संतोष है कि अनमोल 7 लोगों को जीवन देकर अमर हो गया। क्योंकि अनमोल शुरू से ही बहुत वाइब्रेंट था, बहुत एनर्जेटिक था, तो बिना कुछ करे वो चला जाए ऐसा हो नहीं सकता था। तो हम सब परिवार वालों ने बैठ के ये निर्णय लिया, थोड़ा सा मोटिवेट करा, सब बहुत जल्दी मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छे से मान गए। उनको ये लगा कि बिना कुछ करे तो वो जा नहीं सकता, तो उसके जाने के बाद ही चीज़ें याद रहें, तो ये सब सोच के ही निर्णय लिया गया कि ये अंगदान जैसा उन्होंने काम करना चाहिए। और सब बहुत अच्छे से मान के हर चीज़ में राज़ी हो गए कि जो जो ऑर्गन काम आ सकता है, अच्छी कंडीशन में सामने वाले को मिल सकता है, तो हम उन सब चीज़ों के लिए तैयार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।